जी, कल इमरान खान ने फतह के बाद अपनी जो पहली तकरीर की वो बहुत मस्बत तकरीर थी और एक नमाया तब्दीली देखने में आ रही थी उनके लहजे में, जो इलेक्टोरल रैलीज और अपोजिशन वाले लीडर के तौर पे इमरान खान जिस लहजे में बात करते थे कल उससे मुख्तलिफ था। और ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ मसालत का हाथ बढ़ाया बल्कि उन्होंने पाकिस्तान के हमसायों के लिए भी मसालत का हाथ बढ़ाया, इंडिया के लिए भी उन्होंने मसालत की बात की और उन्होंने एक ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात की। अब ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत मुनासिब और बहुत बेहतर हैं। जो असल चैलेंज उनको पेश होगा वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्रंट पे होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त फिस्कल डेफिसिट का शिकार है, करंट अकाउंट डेफिसिट का शिकार है, कर्ज़ों का एक अंबार लगा हुआ है और यकीनी तौर पे इमरान खान को फौरी तौर पे IMF के पास जाना होगा। वो हमेशा कशकोल तोड़ने और कर्ज़े ना लेने की बात करते थे लेकिन हुकूमत में आके उनको अंदाज़ा होगा कि कर्ज़े लिए बगैर शायद गुजारा नहीं होगा। उनको अमेरिका के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हैं वो भी बेहतर करने होंगे। उनको FATF की जो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने के लिए अमली इकदाम भी करने होंगे जिससे ये ज़ाहिर हो कि पाकिस्तान जो है वो नेशनल एक्शन प्लान और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर मुखलिस है। और ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए यकीनन उनको अपोजिशन पार्टीज़ की हमायत भी दरकार होगी और उसके लिए अगर वो अभी से एक ट्रैक टू शुरू कर सकें मेन अपोजिशन पार्टीज़ के साथ और उनको कम अज़ कम जो चंद सीरियस इशूज़ हैं, इक्तसादियात का इशू, गवर्नेंस का इशू, दहशतगर्दी का इशू, उस पर अगर वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एतमाद में लेना शुरू कर दें तो उनके अगले 5 साल जो है वो काफ़ी आसान होंगे।